हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हम मेहंदी में जो फूल बनाते हैं, जो फ्लावर्स बनाते हैं, वो अलग अलग फ्लावर्स हम पेंसिल की मदद से कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वही फ्लावर्स हम मेहंदी कौन से कैसे बनाएं, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारा हाथ अच्छे से चलने लगता है, तो हम कैपेबल हो जाते हैं कि हम मेहंदी कौन से भी उसको बनाएं। ऐसे नहीं है कि हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और हमें वो कौन से भी आ जाएगा, हमें कौन से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेंसिल से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाथ की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि मेहंदी से फ्लावर्स कैसे बनाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको जो फर्स्ट फ्लावर दिखाई थी, जो पेंसिल से हमने बनाया था, वो हार्ट वाला, वो हम मेहंदी कौन से कैसे बनाए। तो मैं आपको ये चीज़ नोट करना चाहूँगी कि जब हम मेहंदी से फ्लावर्स बनाते हैं तो हम उसकी जो डिज़ाइन है वो रफली ड्रॉ करें तो भी चलेगा, क्योंकि आफ्टर शेडिंग हम उसको हाईलाइट करते हैं तो अच्छे से दिखने लगता है। हाईलाइट का मतलब ये है कि हम जो उसकी थीन जो बॉर्डर होती है, हम उसको थिक बनाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि उसको थिक कैसे बनाना है। तो आफ्टर शेडिंग हम उसको जो बॉर्डर है उसमें ज़्यादा मेहंदी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कैसे कर रही हूँ उसको हाईलाइट। आफ्टर हाईलाइटिंग वो फूल बहुत ही उभर कर दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आप पहले रफ बनाएंगे, आफ्टर शेडिंग उसको बॉर्डर करेंगे तो आपका फूल बहुत निखर के आएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि कैसे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है वो। इसके बाद के जो फ्लावर्स है वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे कि पहले रफली ड्रॉ करेंगे, फिर उसको हाईलाइट करके उसको शेडिंग करेंगे तो वो अच्छे दिखेंगे। आप बारी बारी हर एक फूल अच्छे से देखिए कि मैंने कैसे बनाया, उसको शेडिंग कैसे किया है, उसको हाईलाइट कैसे किया है, आफ्टर हाईलाइटिंग वो कैसा दिख रहा था, कैसा दिख रहा है, बिफोर हाईलाइट वो कैसा दिख रहा था, ये नोट कीजिएगा। और आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, भले आपका फूल पहले परफेक्ट ना आए, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि फ्लावर्स कैसे बनाने हैं, उसको डिवाइड करना है 6 पार्ट में, फिर हम उसमें डिज़ाइन बनाएंगे, तो वही ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ करके फ्लावर आपको मेहंदी से कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ। पहले आपने देखा होगा वीडियो में कि मैंने कैसे सिखाया था आपको, वही सेम ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले हम रफली बनाएंगे, तो आप ये देख लीजिए कि वो रफ फूल कैसा दिख रहा है, और आफ्टर शेडिंग एंड हाईलाइटिंग वो कैसा दिख रहा है, ये आप नोट कीजिए, आपको खुद ब खुद उसका डिफरेंस दिखने को मिलेगा। और आप भी ऐसे ही फूल बनाया कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाए। तो हमारा यहाँ पे हाईलाइटिंग हो गया और हम उसको शेडिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि शेडिंग के पहले कैसे दिख रहा था, और अब देखिए कि वो शेडिंग के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। जब आप एक्चुअली मेहंदी में बनाएंगे तो वो और भी अच्छा दिखेगा। मैं लोकल कोन से आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास हैंडमेड कोन नहीं होते, तो आप ये भी जान जाएंगे कि हम लोकल कोन भी अच्छे से चला सकते हैं, उससे भी अच्छी मेहंदी बन सकती है। अगला फूल भी हम उसी ट्रिक के साथ, उसे शेडिंग और हाइलाइटिंग के साथ बनाएंगे।